जी, सो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट इन इफेक्ट इन वन इन ईच केस दैट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल. वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल, ऐसी कौन सी एक्सपेरिमेंट, ऐसी क्या चीज है जिससे हमें वेव नेचर पता चलती है एक पार्टिकल की? क्या हमने ऐसा देखा जिससे हमें पता है कि वो वेव्स ही करती है? तो जब वो इलेक्ट्रॉन ने भी करके दिखाया था, हम बिल्कुल बेगाने हो गए थे, पागल हो गए थे. आइंस्टाइन पॉइंटर नहीं, डायफ्रैक्शन. एग्जैक्टली, डायफ्रैक्शन, डिफ्रिएशन, डायफ्रैक्शन. तो इलेक्ट्रॉन ने जब करके दिखाया डायफ्रैक्शन, तब हम बिल्कुल पागल हो गए थे. पार्टिकुलर नेचर, पार्टिकुलर नेचर की कौन सी एग्जाम्पल है, वो किस चीज ने पार्टिकुलर नेचर प्रूव करी, कौन सी ऐसी एक्सपेरिमेंट है? आइंस्टाइन वाला, आइंस्टाइन वाला क्या है, उसका नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वेरी गुड, सो इट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है जी, तो ये चीजें आती हैं, आप लोगों को पता नहीं चलते. ठीक है, और जो रिसेंट पेपर्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की बाकायदा डायफ्रैक्शन आई है. ठीक है, तो उसमें भी आप लोग थोड़े से वो हो जाओगे, ये सब चीजें आपको याद रखनी है, क्या चीज डायफ्रैक्शन है, क्या है क्या नहीं. तो वो सर, अच्छा, फोर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन फिगर 7.1. आपको 0.0 वाली नहीं दी गई, आपको जूल्स में ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स दी गई. ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, मसला नहीं है. एन इमिशन स्पेक्ट्रम इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस बिटवीन दीज एनर्जी लेवल्स. फॉर दिस स्पेक्ट्रम स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स. तो इतने स्पेक्ट्रम के लिए कितनी लाइनें बनेंगी, ये कहां से अंदाज लगाएंगे, लाइनें कितनी बननी चाहिए इसमें? तो देखते हैं, लाइनें किस तरह बनेंगी. लाइनें तब तब बनेंगी जब एक फोटोन उस करिस्पॉन्डिंग एनर्जी का रिलीज होगा. वो कैसे रिलीज होगा? जब एक जब आपकी क्वांटम जंप्स होंगी, डाउनवर्ड क्वांटम जंप्स होंगी. तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज है क्वांटम जंप्स की. सो एक तो ये है, फ्रॉम हियर टू हियर, है ना. अच्छा, दूसरी क्या है? दूसरी है यहां से यहां, राइट. तीसरी क्या है? तीसरी है यहां से यहां. चौथी क्या है? चौथी जो है वो है यहां से यहां, है ना. और एक जो है वो यहां से यहां हो गई. और लास्ट वाली क्या हो गई? लास्ट वाली हो गई यहां से यहां. तो कितनी लाइनें बनेंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सबको समझ आया? 6 लाइनें आपकी जो है वो इस स्पेक्ट्रम के लिए बनेंगी. Why only consider downward jumps? Because upward कब होती है शाज़िम? Upward तब होती है जब एक फोटोन एब्जॉर्ब होता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, तो रिलीज कब होगा एक फोटोन? लाइन कहां से आएगी? जब एक फोटोन रिलीज होगा, है ना. इमिशन स्पेक्ट्रम की बात होगी. इमिशन स्पेक्ट्रम में एक लाइन कब नजर आएगी? जब एक फोटोन उसका रिलीज होगा. ठीक है, बहरहाल तुम जितनी नंबर ऑफ डाउनवर्ड क्वांटम जंप्स गिनोगे, उतनी नंबर ऑफ अपवर्ड क्वांटम जंप्स भी होंगे. तो चाहे अपवर्ड गिनो या चाहे डाउनवर्ड गिनो, वो ही आएंगी. ठीक है, मतलब अगर तुम इनका उल्टा करके अपवर्ड भी निकाले तो वही आता. ठीक है, अच्छा, फिर आपसे क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ. मिनिमम वेवलेंथ कैसे आएगी, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है. मिनिमम वेवलेंथ तब आएगी क्योंकि आपका E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा है. तो अगर आपको सबसे छोटी वेवलेंथ चाहिए तो आपको सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस लेना पड़ेगा. अगर आपको सबसे छोटा लैम्डा चाहिए तो आपको सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस लेना पड़ेगा. यानी मैं -5.44 और 0.87 वाला लूंगा, सबसे बड़ा एनर्जी डिफरेंस, उसमें मेरा करेस्पॉन्डिंग मिनिमम वेवलेंथ होगी. ठीक है जी, सो लेट्स ट्राई टू वर्क आउट डेल्टा ई. डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? -5.44 × 10⁻¹. तो एक ऐसा कर लेते हैं, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. E final क्या है? E final जो है वो ये वाला है 0.87. So -0.87. और इनिशियल वाला क्या है? -5.44. So -5.44. और ये पूरी चीज × 10⁻¹⁹. Final 5.44. अच्छा हाँ, सही है, very good, सही है सही है. खैर ठीक है ठीक है, ये बिल्कुल सही बात बोली. Whoops, sorry. Yes, आज़ीन सही है. Minus, final तो ये नीचे वाला लेना है, तो 5.44 is final, ये वाला initial है. ठीक है, very good आज़ीन. So 5.44 final minus और -0.87 वो initial आ गया. ठीक है जी, इसका अगर हम निकालते हैं क्या गैप आ रहा है, तो गैप आ रहा है 4.57 × 10⁻¹. ठीक है, बहरहाल अपवर्ड वाली लो, डाउनवर्ड वाली लो, गैप हमेशा वही आएगा. ये याद रखना कि
इसमें से दूसरी में से हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी, यानी मतलब माइनस 0.87 और दूसरी वाली प्लस में डालोगे, या अगर इसको माइनस में डालो तो दूसरी वाली प्लस में डालोगे, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना हमेशा सब्ट्रैक्शन हो, कैंसिलेशन आउट हो, मैग्नीट्यूड हमेशा कम हो, ठीक है। तो ये आ रहा है आपका, अब आप इसको कहां पे डाल दोगे, E equals to HC upon lambda, so 4.57 into 10 power minus 19 shall equals to 6.63 into 10 power minus 34, C क्या है 3 into 10 power 8, और corresponding lambda हम निकाल लेते हैं, lambda की वैल्यू हमारी आ रही है 4.35 into 10 to the power minus 7 meters, ठीक है जी। एंड हमें थ्री सिग्निफिकेंट दिए हुए, तो इसलिए थ्री सिग्निफिकेंट लेके चलेंगे, 4.35 इंटू 10 पावर माइनस 7। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? अच्छा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय फोटोन, यू गाइस नो दैट लाइट इन अ बीम हैज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम दैट लाइज विद इन द विजिबल रीजन, द फोटॉन्स ऑफ लाइट हैव एनर्जीज रेंजिंग फ्रॉम 1.60 टू 2.60। तो एक फोटोन की बीम मारी जा रही है, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की बीम मारी जा रही है, जिसमें ये सारी एनर्जीज है 1.60 से लेके 2.60 वाले। The beam passes through some hydrogen gas. It then passes through a diffraction grating and an absorption spectrum is observed. All of the light absorbed by the hydrogen is re-emitted. Explain why dark lines are still observed in the absorption spectrum. So basically, photons are re-emitted in random directions. So ये भी आपको पता होने की जरूरत है. In random directions. फिर आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि सम ऑफ द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.1, ये आपकी एनर्जी लेवल्स। द डार्क लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स। ऑन फिगर 10.1 ड्रॉ एरोस टू शो द इनिशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स दैट कुड गिव राइज टू डार्क लाइंस इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, दो मार्क्स का है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या पूछ रहे हैं आपको, इनिशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस दैट कुड गिव राइज टू डार्क लाइंस इन द इनिशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इनिशियली क्या होता है, इनिशियली होता है फोटोन एब्जॉर्ब होता है। तो ये उसकी पूछ रहे हैं किस चीज की, अपवर्ड क्वांटम जंप्स की बात है। तो सबसे पहले तो जो हम एरो लगाएंगे इधर, वो हम अपवर्ड एरो लगाएंगे, ठीक है जी। तो एक मार्क तो उसका है, फिर दूसरा हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऐसे क्वांटम जंप्स होंगे जो 1.60 से लेके 2.60 में आपको क्या करके दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे एक डार्क लाइन, ठीक है। आपके पास एनर्जी कितनी है, आपके पास एनर्जी ये ध्यान में रखिए सिर्फ 1.60 से लेके 2.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, ठीक है जी। सो हम वही गैप्स देखेंगे जिनकी इस रेंज में होगा, और एरो कैसे लगाएंगे, अपवर्ड एरो लगाएंगे, ठीक है जी। सो इफ वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स, ठीक है जी, सो I'm going to mark these for you so that you guys have an idea. अच्छा, ये यहाँ से यहाँ, ये फिर ये वाला भी है, फिर ये वाला भी है, फिर क्या है, फिर हमारे पास ये वाला भी होगा, ठीक है। मतलब इसमें आई एम ड्रॉइंग ऑल ऑफ दी जो है वो आपकी क्वांटम जंप्स जो पॉसिबल है, ठीक है। सो फिर ये वाला भी है आपके पास, और आपके पास ये वाला भी है, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट फाइंडिंग आउट all of their energy differences, ठीक है जी। क्या डेल्टा ई आ रहे हैं इन दोनों में, डेल्टा ई कैसे निकालेंगे, एक चीज को दूसरी चीज में से साइन उलट करके आपने सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। तो इसका डेल्टा ई क्या आ रहा है, इसका डेल्टा ई आता है, इफ वी डू दिस, सो इसका डेल्टा ई आ रहा है 0.31, ठीक है। ये हमारी रेंज में नहीं है, 1.60 से कम है, मतलब ये वाला हमें नहीं दिख रहा, दिस विल नॉट बी, जो डार्क लाइन हमें दिख रही है वो हम इसकी वजह से नहीं देख पाएंगे, ठीक है। मतलब ये वाली लाइट शाइन करके हमें डार्क लाइन ये वाली नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा, देन सिमिलरली अगर हम ये वाले निकालें, -3.40 प्लस 0.85, तो ये कितना आ रहा है, ये वाला आ रहा है 2.55, ठीक है जी। सो -3.4 प्लस 0.85, ये आ रहा है -2.55, ये वाली,
सिर्फ 2.55 लिख लेते हैं, दो सिर्फ रेंज में आ रहे हैं, हाँ दो ही हैं सिर्फ एक जो रेंज में आ रहे हैं, बाकी सब आउट ऑफ द रेंज है। तो मैं जो हूं वो जल्दी जल्दी से लिख लेता हूं, एक ये वाला है, दिस इज डेल्टा ई, दिस इज 1.89, ठीक है जी। ये वाला है, सॉरी ये 10.2 का है, ठीक है, एंड ये वाले भी निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। सो दिस इज 0.97, ठीक है जी, और बाकी ये वाले भी देख लोगे तो ये भी देखोगे बहुत बड़े बड़े जी गैप्स आ रहे हैं, ठीक है जी। मतलब गैप कौन सा था, सिर्फ ये वाले थे, तो ये वाले भी नहीं होंगे राइट, इतने लंबे लंबे वाले गैप्स भी नहीं चलेंगे। यानी कौन से हो गए, एक ये वाला सही है 2.55 जो इस रेंज में आ रहा है, 2.55 इस रेंज में आ जाएगा, और एक 1.89 वाला सही है जो भी इस रेंज में आ रहा है, ठीक है जी। सो दीज टू आर द वंस जो आप इधर मार्क करोगे, सिर्फ ये मैंने सब मार्क के दिखाएं, ये मिटा देना फिर, ठीक है, सिर्फ ये दो मार्क। एवरीवन अंडरस्टैंड कि मैंने ये सब्ट्रैक्शन जो करी है, डेल्टा ई जो निकाले हैं, और फिर जो डेल्टा ई जो टिक करें, 2.55 वाला टिक किया और 1.89, क्यों, बिकॉज दीज वर इन रेंज, बाकी कोई भी रेंज था तो मैंने सब काट दिए, इनमें से कोई भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सब मिटा दूंगा, मैं सिर्फ ये दो वाले छोड़ दूंगा, ठीक है। अच्छा फिर आपको बोलते हैं कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द बीम। तो अगेन अगर आपसे बोल रहे हैं कि हमें शॉर्टेस्ट निकाल दो, तो E equals to hc upon lambda, if you are wanting the shortest then you shall need the greatest energy gap, if you need the greatest energy gap तो इन दो में से चूज करना पड़ेगा कौन सा greatest है। greatest वाला आपका 2.55 है, not 1.52, greatest ये 2.55। अच्छा तुमने पूरी कैलकुलेशन कर लिया, अब पता नहीं क्या बोला अजय ने, हम जो है वो 2.55 वाले लेंगे, ये वाले लेंगे, क्यों, क्योंकि यही दो पॉसिबल थे, अब दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन सा है, ये 2.55 वाला, तो ये वाले लेते हैं। अच्छा सो डेल्टा ई क्या आ रहा है, डेल्टा ई आ रहा है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है जी। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जूल्स में कर लेते हैं। सो डेल्टा ई इन जूल्स क्या हो जाएगा, 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 जूल्स, ये डेल्टा ई आ गया आपका जूल्स में। और अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसको एच सी अपॉन लैम्डा के बराबर कर देते हैं। सो 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10^-19, 6.63 इंटू 10^-34, सी जो है वो 3 इंटू 10^8 अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। व्हेन यू डू डू दिस, इसको उधर भेज दोगे, इस पूरी चीज को यहाँ पे डिवाइड में कर दोगे, सो लैम्डा जो है वो आज़ेन ने कैलकुलेट कर दिया है और बिल्कुल सही कैलकुलेट करके दिया है, 4.875 दिया है, 4.875 इंटू 10^-7, दिस इज द अमाउंट इन मीटर्स। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी, वी हैड 3 सिग्निफिकेंट, है ना, नहीं 2 सिग्निफिकेंट हमने क्या ली है, हमने 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू लाइक 2.55 के लिए हमने 3.40 और 0.85 लिए, 2 सिग्निफिकेंट, तो हम इसका फाइनल आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट तक देते हैं। वी शैल गिव दिस टू 4.9 इनटू 10^-7 मीटर्स। क्या है ये थ्योरी में लिखना क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। वालेकुम अस्सलाम शामी। अच्छा हमसे क्या बोला जाता है, हमसे ये बोला जाता है एक्सप्लेन हाउ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एटम्स, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी एक्सपेरिमेंट समझा के, नील बोहर का सारा काम समझा के कल बता दिया था, लेकिन अगर जवाब लिखने को आ जाए तो उसमें क्या क्या आप लोगों ने बात करनी है, क्या क्या समझनी है, क्या क्या नहीं लिखना। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो उसके बारे में थ्योरी में क्या लिखेंगे आप, उसके लव्स क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। सो बेसिकली ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम corresponds to a specific photon energy, ठीक है जी। ये तो हमने पढ़ा था भाई, अगर एक लाइन आती है हमेशा उसी कलर की, यानी एक कॉन्स्टेंट लैम्डा आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो फोटोन की एक ही एनर्जी के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा जी, नाउ दूसरी बात, ये फोटॉन्स आर एमिटेड as a result of quantum jumps
फोटॉन्स आर इमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ क्वांटम जंप्स, ठीक है जी। तो बेसिकली 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 सिंस एवरी जंप हैज अ स्पेसिफिक एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर the existence of discrete electron energy levels, ठीक है जी। तो मैंने जो है वो इंग्लिश में करके क्या लिख दिया है, ये इसका जवाब लिख दिया है। कि भाई आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कि नील बोहर ने कैसे अंदाजा लगाया कि एक एटम में डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स है। आपने बोला भाई ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम करेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक फोटोन एनर्जी, एक ही लैम्डा आता है यानी वो एक ही फोटोन एनर्जी होगी, ठीक है। ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम करेस्पॉन्ड्स टू ओनली अ स्पेसिफिक फोटोन एनर्जी। अब फोटॉन्स जब कब रिलीज होते हैं, फोटॉन्स रिलीज होते हैं जब आप क्वांटम जंप करते हो, ठीक है। अगर एक क्वांटम जंप में एक फोटोन एनर्जी, एक फोटोन विद स्पेसिफिक एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, हर क्वांटम जंप का क्या है या जो है वो हर जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, वो स्पेसिफिक ही है। सिंस एवरी जंप हैज अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है जी। सिंस एवरी जंप हैज ए स्पेसिफिक वैल्यू, इट प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर दैट, ठीक है। जैसे नील बोहर ने अंदाजा लगाया था, कल की पूरी उर्दू में डिस्कशन करी, आज मैंने उसको इंग्लिश में लिख के दिखा दिया। अगर सवाल आता है तो 3 मार्क्स आपको इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। पहले स्पेसिफाई करोगे ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम करेस्पॉन्ड्स टू स्पेसिफिक फोटोन एनर्जी। अब फोटॉन्स रिलीज क्यों हो रहे हैं, जब क्वांटम जंप हो रही है। अगर क्वांटम जंप में एक ही तरह का फोटोन एनर्जी, फोटोन रिलीज होता है जिसकी स्पेसिफिक एनर्जी है, तो उसका मतलब क्या है, जंप्स के बीच में भी स्पेसिफिक एनर्जी होगी। उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है वो क्या होगी, डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स होंगी, ठीक है। अच्छा, सम इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स इन एटॉमिक हाइड्रोजन आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 7.1, -0.85, -1.50, -3.40, ठीक है जी। एनर्जी यू ऊपर जा रही है, ए ये बी दिखाया हुआ है। टू पॉसिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस ए एंड बी गिव राइज टू एन एमिशन स्पेक्ट्रम एज आर शोन, ठीक है जी। गिव राइज टू एन एमिशन स्पेक्ट्रम आर शोन। These electron transitions cause light of wavelength 654 nanometer and 488 nanometer to be emitted. On figure 7.1, draw an arrow to show a third possible transition. So, arrow कैसे बनाऊं, arrow कैसे लगाऊं to show a third possible transition. दो तो ने आपको करके दिखा दिए A और B, तो third वाला arrow कैसे बनाऊं, कैसे लगाऊं? कोई और possibility है quantum jump की? एक और possibility है, कौन सी है? Yes, 0.85 से 1.5, यानी ये वाली quantum jump आपकी होगी, ठीक है। तो ये हमने मार्क कर दी, एक मार्क मिल गया। अब आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट फॉर द ट्रांजिशन इन वन। तो अब वही तरीका, कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा ई कैसे आएगा, डेल्टा ई आएगा, ये फाइनल था -1.50, देन माइनस, और ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला -0.85 है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बताएं, ये वैल्यू बताएं क्या आ रही है, what is this value coming out to be, -0.65, so this is -0.65. acha ye aapko kya diye the, electron volts diye the, theek hai ji, this was in electron volts, to electron volts ko ab zara kya kar lete hain, joules mein kar lete hain, kya tarika tha, 1.6 into 10 to the power -19 se multiply kar doge to amount in joules aa jayegi, aur wo amount in joules kya aa rahi hai, 1.04 into 10 to the power -19 joules aa rahi hai, theek hai ji। एक्चुअली अब हमें लैम्डा निकालना है, तो बड़ा आसान है, E equals to HC upon lambda, so 1.04 into 10 to the power -19, H क्या है आपका, H जो है वो 6.63 into 10 to the power -34 है, C क्या है 3 into 10 to the power 8 है, लैम्डा आप निकाल सकते हो, लैम्डा आपके पास आ जाएगा इस तरीके करने के बाद 1.9 into 10 to the power -6, तो ये 1.9 into 10 to the power -6 हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अच्छा, ये तो वही था कल की तरह सवाल। अब एक और सवाल, अब ये वाला पहले वाला जो सवाल था वो इमिशन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड था, ठीक है। आपने क्या देखा, आपने ये इसमें सिर्फ इमिशन स्पेक्ट्रम वाली चीज लिखी है। अब जो सी पार्ट है इसका, वो क्या लिखा है, द लाइट इन अ बीम हैज अ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, यानी इंसिडेंट लाइट में कौन कौन सा स्पेक्ट्रम है, 400 नैनोमीटर से लेके आपके पास जो है वो क्या आएगा, आपके पास सिर्फ 700 नैनोमीटर तक वेवलेंथ, ठीक है जी।
अच्छा, द लाइट इज इंसिडेंट ऑन सम कूल हाइड्रोजन गैस एज इलस्ट्रेटेड फिगर 7.2 यूजिंग द वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ इन बी स्टेट एंड एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द इमर्जेंट लाइट. तो अब हमें उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो स्टेट करना है और एक्सप्लेन करना है वो कैसा होगा. अच्छा, सबसे पहले तो ये रियलाइज करो कि ए वाला जो है, सॉरी, ये ए और बी जो है वो 654 और 488 वाले, ठीक है. अच्छा, अब मेरे पास 400 से लेके 700 तक है, यानी बेसिकली दैट मींस 654 वाला भी देगा लाइन और 488 वाला भी देगा लाइन. क्यों देगा? क्योंकि अगर यहाँ पे एक फोटोन है जो 488 का आ रहा होगा तो वो अपवर्ड ट्रांजिशन जंप करवाएगा, फिर नीचे आते हुए वो चीज जो है वो रीएमिट करेगा इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो वहां पे काली लाइन आ जाएगी. सिमिलरली 654 भी रेंज में आ रहा है तो एक फोटोन होगा 654 वाला इधर जो आके लगता है और फिर वो उधर सामने आपको काली स्पॉट दे देगा आगे, ठीक है. अच्छा, और तीसरी वाली ये भी निकाल लेते हैं कि कितनी लाइनें आनी चाहिए. तो ये कितना नैनोमीटर आ रहा है, अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 1900 नैनोमीटर आए, ठीक है जी. 1900 कैसे आएगा? 1900 ऐसे आएगा कि आप 1, 2 और 3, राइट, -6 से -9 बनाना है, -9 इज नैनोमीटर, सो डेसिमल पॉइंट को 3 आगे ले जाओगे, सो 1900 × 10⁻¹⁹, सो बेसिकली ये 1900 नैनोमीटर हो जाए, ठीक है. अच्छा, अब आप जो फोटॉन्स भेज रहे थे उसमें से कोई भी आपके पास इस वाली रेंज का नहीं है, 1900 नैनोमीटर वाली रेंज का नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 400 से लेके 700 नैनोमीटर की जब लाइट इंसिडेंट करोगे तो सिर्फ ये दो वाली जो है आपके पास ट्रांजिशन जंप्स होंगी, यानी काली लाइनें आएंगी कहां कहां पे, 654 पे और 488 पे, ठीक है. तो अब हम सबसे पहले तो स्टेट कर लेते हैं, क्या स्टेट कर लेते हैं, लेट स्टेट स्पेक्ट्रम is a continuous spectrum with black lines at which things at black lines at 654 and 488 at 654 nanometer and 488 nanometer. ठीक है जी, तो मैंने पहले क्या कर दिया, मैंने पहले स्टेट कर दिया, ठीक है जी. अब जो है वो हम एक्सप्लेन करने को चलते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एब्जॉर्ब अ फोटोन ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट to the respective quantum jump as they get de-excited and transition downwards. They re-emit the photon in a different direction. तो ये आपकी पूरी क्या हो गई, explanation हो गई, ठीक है. अब जो theory के सवाल है वो मैंने यही दो देखे, ठीक है जी. जो theory में आपसे पूछा जा सकता है कि या तो ये आ जाएगा emission spectrum को explain कर दो, या तो ये आ जाएगा absorption spectrum को explain कर दो, ठीक है. इसमें ये 4 mark का क्यों था, क्योंकि वो स्टेट वाली चीज भी आ गई, आपको अपना आंसर जो आपने पहले दिया उसके लिहाज से आपको करना था, ठीक है. वरना ये चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी है, absorption के लिए each line corresponds to a specific photon energy. Photons are emitted as a result of quantum jumps. अब obviously जब एक quantum jump में एक ही photon energy release हो रही है तो उसका मतलब है उस quantum jump की भी constant energy होगी, यानी उसकी distributed energy आ गई. Absorption spectrum में क्या होगा? Energy absorb होती है, electron ऊपर जाता है, ठीक है जी. Electron जब ऊपर जाता है फिर वापस से de-excite होके नीचे आता है, de-excite होके जब नीचे आ रहा है तो photon different direction में भेज देता है जब भी आपको एक काली line मिलती है उसके spot, ठीक है जी. Any problems with this question? समझ में आया? Theory के लिहाज से समझ में आ गया कि कैसे लिखेंगे अपने answers? English कैसे लिखेंगे हम? हाँ, बेसिकली देखो कशिश क्या था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या था, आप पूरी व्हाइट लाइट भेजते थे, अब उसमें से कौन से फोटॉन्स आगे नजर नहीं आते थे जो एक ऐसी अपवर्ड क्वांटम जंप करवाते थे जो पॉसिबल हो, राइट. मतलब वो कोई ना कोई क्वांटम जंप ऐसी करा रहे हो कि इधर से फौरन उठ के दूसरे वाले चल जाए, कोई बीच बीच की कहानी ना हो, ठीक है. तो कहा था 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक के ही हमारे पास फोटॉन है, उससे ज्यादा हमने भेजे नहीं, उससे कम नहीं भेजे, उससे ज्यादा नहीं भेजे. तो इसका मतलब क्या होगा, यानी ये जो जो दो लाइनें थी जो 654 और 488 की वजह से कॉज हो रही थी,
जो फोटॉन्स आपको 654 और 488 पे मिल रहे थे, अब देखो इस स्पेक्ट्रम में वो आ रहा है, इसमें 488 वाला भी आ रहा है और इसमें 654 वाला भी आ रहा है, तो मतलब वो जो दो फोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके अपवर्ड क्वांटम जंप करवा देंगे, ठीक है। ये तीसरी चीज नहीं होगी क्योंकि 1900 नैनोमीटर है, यानी एक फोटोन हमें 1900 नैनोमीटर का भेजना पड़ेगा फॉर इट टू गो अप एंड देन कम बैक डाउन टू रिलीज 1900 नैनोमीटर, है ना। तो इस रेंज में जो हमने इंसिडेंट भेजी है सिर्फ ये रेंज थी हमारी, उसमें सिर्फ यही दो आ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा, दो लाइनें आएंगी, ठीक है। तो हमने ये बता दी ये दो लाइनें आई हैं इस पे इन दोनों वेवलेंथ, ये बता दिया। अच्छा अब ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं एक फोटोन ऑफ एनर्जी जो उनकी क्वांटम जंप की इक्विवेलेंट है, यानी एक फोटो एक इलेक्ट्रॉन ने एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, मतलब सिर्फ एक ऐसा फोटोन एब्जॉर्ब किया जो 654 लेके आ रहा था ताकि वो यहाँ से ए वाली ट्रांजिशन लेके वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और दूसरा क्या था, वो 488 वाला वो इधर से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। सो क्या हुआ है, मतलब सिर्फ यही दो ऐसे फोटॉन्स थे जो एब्जॉर्ब हुए और उसकी वजह से ये दो क्वांटम जंप्स हुई ऊपर, ठीक है। अब जब वापस नीचे आते हुए रीइमिट हुए वो फोटॉन्स, लेकिन वो फोटॉन्स डिफरेंट डायरेक्शंस में रीइमिट हो गए, तो जो फोटॉन्स थे वो तो सारे के सारे वैसे ही आ गए, तो आपको वैसे ही स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है इसमें, ठीक है। बट वो दो लाइनें क्यों नजर आती हैं, वो दो लाइनें इसलिए नजर आती हैं क्योंकि वो फोटोन जो फिर वापस रीइमिट हुए वो कैसे रीइमिट हुए, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में रीइमिट हो गए, वो किसी और डायरेक्शन में निकल गए, तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन में नहीं दिख रहे, ठीक है।